बापू धाम मोतिहारी नाम तो सुना ही होगा। बिहार का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिसका नाम भारत की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, जो इस सेंट्रल रेलवे जोन का 37वां, समस्तीपुर रेलवे बटल का 8वां और बिहार राज्य पे सबसे ज्यादा हैंडल करने वाले रेलवे स्टेशनों के लिस्ट पे 36वें नंबर पर आता है। यानी कि बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन बिहार के टॉप 50 रेलवे स्टेशनों पे शामिल है। ये वही मोतिहारी रेलवे स्टेशन है जहाँ भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 15 अप्रैल साल 1917 को मोतिहारी रेलवे स्टेशन आए थे। इसी वजह से इस रेलवे स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन रखा गया है, जो आज के मौजूदा समय पे बेहद खूबसूरत, साफ सुथरा और मॉडर्न रेलवे स्टेशन के रूप में दिखाई पड़ता है। ये वही मोतिहारी है जहाँ का छेना मुर्गी और केसरिया का पेड़ा पूरे बिहार में मशहूर है। यहाँ का मुर्गी और केसरिया पेड़ा नहीं खाया तो समझो कुछ नहीं खाया। इसलिए जब भी मोतिहारी रेलवे स्टेशन आए तो यहाँ का मुर्गी और पेड़ा जरूर खाएं, क्योंकि जितना बिहार का लिट्टी चोखा मशहूर है उतना ही मोतिहारी का मुर्गी और पेड़ा भी मशहूर है। इन सभी के अलावा मोतिहारी रेलवे स्टेशन के कई सारे रोचक और धमाकेदार जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताई गई है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जोर देखें, क्योंकि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्टोरिकल एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन के बारे में। अगर आपने बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन से कभी यात्रा किया है तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करें, ताकि यह इन्फॉर्मेशन हर कोई जान सके। वैसे आप लोग बिहार के कौन कौन से रेलवे स्टेशन के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बापू धाम मोतिहारी बिहार का वो समस्तीपुर रेलवे मंडल का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जो 100 वर्षों के अधिक समय से मोतिहारी जिला वासियों के साथ साथ आसपास के यात्रियों के लिए सर्विस प्रदान कर रही है। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन मुजफ्फरपुर गोरखपुर मेल लाइन पर, मुजफ्फरपुर रक्सौल लाइन पर और मुजफ्फरपुर नरकटियागंज लाइन पर स्थित होने की वजह से पूर्वी चंपारण जिला वासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन का गठन उस समय किया गया था जिस समय मुजफ्फरपुर को बिहार के नरकटियागंज रेलवे स्टेशन से जोड़ा जा रहा था। ठीक उसी समय बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन का भी गठन किया गया था। वैसे बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन का गठन ब्रिटिश शासनकाल के समय देश आजाद होने से पहले साल 1911 पे लगभग आज से तकरीबन 111 वर्ष पहले यहाँ के यात्रियों के लिए विकसित किया गया था। बापू धाम मोतिहारी पे कुल मिलाकर 2 प्लेटफॉर्म और 4 पटरियां स्थित है। जानकारी के लिए बता दें, मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर 2 और प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इस रेलवे स्टेशन से रोजाना तकरीबन 10,000 से ज्यादा यात्री सफर करते हैं और कुल मिलाकर 60 ट्रेनों का स्टॉपेज दिया गया है। और साथ में 1 रेलगाड़ियां ऑर्गेनाइज और 1 रेलगाड़ियां इस रेलवे स्टेशन के माध्यम से टर्मिनेट होती है। बिहार में कुल मिलाकर 688 रेलवे स्टेशन स्थित है। इन्हीं 688 रेलवे स्टेशनों में से एक बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन के नाम से पूरे भारत में जाना जाता है, जो बिहार के तिरहुत प्रशासनिक मंडल और पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट के मोतिहारी शहर पे स्थित है, जो भारतीय रेलवे का एक ए कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। यानी कि यह भारतीय रेलवे का एक मिडिल और पुराना रेलवे स्टेशन है, जिसका कोड BMKI है। इस रूट से चलने वाली ज्यादातर रेलगाड़ियों का इस स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है। मोतिहारी रेलवे स्टेशन के माध्यम से 2 गरीब रथ एक्सप्रेस, 2 हमसफर एक्सप्रेस, 2 जनसाधारण एक्सप्रेस, 6 इंटरसिटी एक्सप्रेस, 4 सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 26 मेल एक्सप्रेस ट्रेन और 20 मेमू ट्रेन इस स्टेशन के माध्यम से रुकती है, बनती है और गुजरती है। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर दिन की आने वाली पहली ट्रेन रक्सौल आनंद विहार टर्मिनल सद्भावना एक्सप्रेस है, जिसका निर्धारित समय रात के 12:01 पर है। बापू धाम मोतिहारी से अंतिम ट्रेन निकलने वाली मुजफ्फर
मुजफ्फरपुर नरकटियागंज मेमू ट्रेन है, जिसका निर्धारित समय रात के 23:59 पर है। आज के मौजूदा समय पे साल 2025 के नजरिए से देखा जाए तो बापू धाम मोतिहारी उस संगोली रेलवे स्टेशन पूर्वी चंपारण के लगभग 63 लाख आबादी के लिए सर्विस प्रदान कर रही है, जो भारतीय रेलवे पे एक अच्छी कमाई करने वाले और अधिक संख्या पे यात्री सफर करने वाले रेलवे स्टेशनों के लिस्ट में शामिल है। बापू धाम मोतिहारी बिहार की राजधानी पटना रेलवे जंक्शन से 166 किलोमीटर और भारत की राजधानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 985 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के नजदीकी एयरपोर्ट का नाम पटना का जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन इस सेंट्रल रेलवे जोन के तहत समस्तीपुर रेलवे मंडल के अंतर्गत आता है। साल 1969 पे बापू धाम मोतिहारी को समस्तीपुर रेलवे मंडल का हिस्सा बनाया गया था। इस रेलवे स्टेशन की ऊंचाई समुद्र से 72 मीटर तकरीबन 236 फुट के करीब है। बापू धाम मोतिहारी आसपास के इलाके का एक प्रमुख परिवहन बिंदु केंद्र के रूप में सर्विस प्रदान करता है, जहां से यात्री बिहार के अलावा भारत के अलग अलग शहरों तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। बापू धाम मोतिहारी से मुजफ्फरपुर की दूरी 80 किलोमीटर और बापू धाम मोतिहारी से नरकटियागंज की दूरी तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मोतिहारी रेलवे स्टेशन मुजफ्फरपुर और नरकटियागंज के बीच में स्थित है, जिस वजह से यात्री मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन के द्वारा बरौनी गोरखपुर रक्सौल जयनगर लाइन से मुजफ्फरपुर हाजीपुर लाइन से समस्तीपुर मुजफ्फरपुर लाइन से और मुजफ्फरपुर गोरखपुर मेल लाइन से और इधर नरकटियागंज रेलवे स्टेशन के द्वारा मुजफ्फरपुर गोरखपुर लाइन से नरकटियागंज भिकना ठोरी लाइन से और नरकटियागंज दरभंगा लाइन से भारत के अलग अलग शहरों तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं।